राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को, बिहार की सरकार को सूचना दिया है कि जो छपरा में जहरीले शराबों से जो मौत हुई है उसकी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार का कहां से मामला आ गया? जो संवैधानिक संस्थाएं, उन संस्थाओं का जिस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और अगर, और सुनिए, और अगर अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है, कर्नाटक की जांच क्यों नहीं कर रहा है? नॉर्वे में पूल में 142 लोग मर गए, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? डॉक्टर चंदन कुमार यादव है, प्रदेश सचिव जेडीयू से। डॉक्टर चंदन, हमें जरा बताइए कि कहां दिक्कत कहां है। मानवाधिकार आयोग की टीम पटना से छपरा पहुंच गई, नया अपडेट यही अभी जो खबर आ रही है, सदर अस्पताल गई है, वहां से डेटा इकट्ठा कर रही है। तो क्या इस पर दिक्कत है कि मानवाधिकार आयोग की जो टीम है उसे नहीं आना चाहिए था, हम जो आंकड़े बता रहे हैं वही सही हैं, उसे मान लिया जाए? और जो मुआवजे की जो बात कही जा रही है, उस मुआवजे की बात में यही कहा जा रहा ना कि जब आपने पहले दिया तो अभी दे दीजिए। उस बच्चे का, उस पत्नी का, उस बहन का क्या कसूर है जिसने पिया, वो इस दुनिया को छोड़ चुका है, लेकिन जो उसके आश्रित हैं उन्हें वो रकम मिल जानी चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने कह दिया कि नहीं देंगे, इसके बाद उन्हें ऐसा भी लग रहा होगा कि बैकफुट पर हम कैसे आए, अपनी बात से कैसे हम मुड़ जाएं? नहीं, विवेक जी, बिल्कुल सरकार ने यह स्पष्ट कहा है कि जो इस प्रकार से लोग लिप्त हैं काम में, उसको वो छोड़े, सरकार उनकी मदद के लिए आगे आ रही है। और जहां सवाल है कि केंद्रीय जो मानवाधिकार आयोग है वो बिहार में आकर के जांच कर रही है, उसे कहीं कोई घबराहट की बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है कि जो अन्य राज्य हैं जहां मानवाधिकार का हनन हो रहा है, वहां भी इनको जाना चाहिए, और जो भी बातें सामने आएगी, इनकी फाइंडिंग्स आएगी, तो आप बिल्कुल देखेंगे कि सरकार इन सारी मानवाधिकारों पर बिल्कुल संवेदना से काम कर रही है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया जा रहा। बस कहना यह है कि मतलब राजनीतिक प्रेरणा से होकर के किसी को मतलब ये नहीं करना चाहिए, किसी राज्य पर ही मतलब अंकुश नहीं लगाना चाहिए। जहां भी मानवाधिकार का हनन हो रहा है वहां भी इनको जाना चाहिए, हमारा बस इतना ही कहना। नहीं, देखिए, अगर मानवाधिकार, मानव के अधिकारों की, इंसान के अधिकारों की जब बात हो रही है, तो मुआवजा भी उसमें एक बात है ना कि आर्थिक सहायता उसे कैसे मिले, जो परिवार टूट चुका है उसे तो बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो ऐसे में क्या सरकार क्या सोच रही है? नहीं, सरकार ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो भी गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जो भी लोग हैं, अगर वो इस प्रकार के कामों में लिप्त होते हैं, किसी के बहकावे में आकर के, तो उसके लिए सरकार बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर रही है कि आप 1 लाख रुपए हमसे मदद ले लें, और आवश्यकता पड़ी तो इसको बढ़ाएंगे भी। तो सरकार तो उनको स्वावलंबन की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। तो लेकिन जिस प्रकार से अब जहरीली शराब पी करके जो मर गए हैं उनके लिए संवेदना है, लेकिन इनसे बचने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। तो 2016 में जो मुआवजा दिया, 2016 में जो मुआवजा दिया उसका आधार क्या था? इससे बिल्कुल अलग है जो 2022 में कांड हुआ, इससे बिल्कुल अलग है क्या 2016? 2016 में जब देखिए बिहार के आम आवाम ने और सभी राजनीतिक दल एक सुर में शराबबंदी का समर्थन किया था, उसके बाद जो भी फाइंडिंग आई उसके आधार पर काम किया गया। लेकिन जिस प्रकार से अभी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह समझना चाहिए कि 5 दिन के शीतकालीन सत्र जो चला उसमें इस बात को संवेदना पूर्वक रखनी चाहिए, न कि सदन को ही इस प्रकार से हंगामे की भेंट चढ़ा देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ बैठी है, उनको ये समझना चाहिए कि कितना संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से विवेक जी यहाँ ये बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन जब बिहार में शराबबंदी लागू किया गया था तो सभी दलों का समर्थन प्राप्त था, सभी ने एक सुर में इसका समर्थन किया था, सर्वसम्मति से इसको लागू किया गया था।